हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22 का, जो कि बैक पेपर कंडक्ट कराया गया था 2021-22 में। हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सारे सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो इसीलिए दोस्तों, इस पेपर को भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सभी क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर को पूरा देखना, अगर किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन को करना रहता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जेनेटिक इंजीनियर। तो चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही आसान लेक्चर, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, हेडिंग डालिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहीं से ही इसका डिफिनीशन आप लोग निकाल सकते हैं। जेनेटिक हो गया और इंजीनियरिंग। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इंजीनियर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए, इसको आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई सामान है, अब ये सामान हमारा टूट गया और हमने कहा कि मैं इस सामान को बना दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है और ये बॉक्स लेकर के मैं यहाँ पे जा रहा था और बॉक्स यहाँ पे गिरा और ये बॉक्स टूट गया और मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मैं इस बॉक्स को बना दूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि इंजीनियर हो क्या, इंजीनियर नहीं हो ना तुम, कि बना दोगे इसको। तो इंजीनियर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छी तरीके से मॉडिफाई करना, उसको रीजनरेट करना, दोबारा सा अच्छी तरीके से उसको क्या करना, रीजनरेट करना मेडिसिन को। तो उसी तरीके से इसमें भी आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना। इसमें क्या लिख सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो कॉल्ड एज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द बेसिक मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एंड जेनरेट द प्रोटीन्स विद द नोवल प्रॉपर्टीज। रेशनल डिजाइन प्लेज ए मेन रोल ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग एंड मल्टीपल डिफरेंट प्रोसेस। जैसे कि रीजनरेट मतलब दोबारा बनाना मेडिसिन को, मेडिसिन को दोबारा से रीजनरेट करना, प्रोटीन डिलीवरी सिस्टम, टिश्यू इंजीनियरिंग ETC, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछता है, तो इतना जान लीजिए कि दोबारा सा रीजनरेट करना या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना, वही हमारा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोगों ने जान लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एंजाइम एम्बोलाइजेशन। एंजाइम एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है, एंजाइम यहीं पे आप लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं, एंजाइम और एम्बोलाइजेशन। इसको यूनिट फर्स्ट के ही लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंजाइम का मतलब हमारा हो गया एंजाइम, और एम्बोलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम यूज। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मान लीजिए एंजाइम को किसी भी कैरियर के साथ उसको मिक्स करके रखना, ताकि हम इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें और ख़राब ना हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं एंजाइम एम्बोलाइजेशन। जैसे कि आम होता है, आम का सीजन होता है कि वो गर्मी के ही मौसम में केवल चलता है। अब उस आम को अगर हम रख देते हैं, फ्रिज में रख दें, कहीं पर भी रख दें, लेकिन वो सर्दियों के मौसम तक जाते जाते क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, वो क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा। अब उसको क्या किया जाता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है कि वो हमारा आम बचा रहता है। अब आपके घरों में आपकी मम्मियों लोग जो होती हैं, मम्मी उम्मी, वो क्या करते हैं, आम को तेल में डाल करके, मसाले वसाले डाल करके उसको धूप में रख देती हैं और उसको बना देती हैं अचार। अब वो अचार बन जाता है, आप लोग उसको कभी भी खा सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, आप वो आम देखिए आपका कितने सालों तक चलता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब ख़राब नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बोलाइजेशन, ठीक। तो उसी तरीके से एंजाइम को किसी भी कैरियर के साथ मिक्स करके रखना, ताकि ये फ्यूचर में हम उसको आसान तरीके से यूज कर सकें, उसी को हम लोग कहते हैं एंजाइम एम्बोलाइजेशन। अब दोस्तों, इसके बारे में लिखेंगे कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोग लिखेंगे कि एंजाइम एम्बोलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, एंजाइम प्लस एम्बोलाइजेशन। एंजाइम का मतलब होता है एंजाइम, और एम्बोलाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम यूज, मतलब लंबे समय तक यूज करना। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इट रिफर टू द टेक्निक ऑफ द कन्फर्मिंग आर एक्रोइंग द एंजाइम इन
ऑन इंसर्ट सपोर्ट, या फिर इसके बारे में यहाँ पे भी आसान तरीके से लिख दिया हूँ कि एंजाइम इम्बोलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर इन एन एंजाइम या फिर सेल मेक्स यूज टू द सेफ कैरियर फेज फॉर सेल एंड सेफ फार्मिंग। ठीक, तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं और ये इसको डिराइव कर देना कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एंजाइम प्लस इम्बोलाइजेशन। एंजाइम का मतलब होता है एंजाइम और इम्बोलाइजेशन का मतलब होता है लंबे समय तक यूज करना। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज के बारे में आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा हुआ है, लेक्चर में मैंने यूनिट फर्स्ट में ही शायद बताया था कि सेकेंड में कि डीएनए लाइगेज क्या होता है। तो डीएनए लाइगेज के बारे में दोस्तों आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझाया था कि जैसे जीन है और यहाँ पर बैक्टीरिया, तो यहाँ पर थोड़े से जीन के पार्ट को, जीन के सेगमेंट को हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब कट करते हैं तो किसके द्वारा कट करते हैं, हमारा एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको शॉर्ट वर्ड में हम लोग कहते हैं ट्रिक बनाया से आरी, आरी से कट करते हैं। आरी मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसको कट करते हैं और इसको भी कट करते हैं। दोनों को कट करने के बाद यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। समझ में आ गया आप लोग को, डीएनए लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा हम इसको कट करते हैं। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या हुआ, डीएनए लाइगेज का काम हुआ कि इसको जोड़ना। इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम इसका जोड़ने का होता है। अब इसका डिफाइन कैसे करेंगे कि इसका काम क्या होता है, किस तरीके से लिखना है, तो चलिए देखते हैं। शायद आप लोग को यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही वैसे लिख दिया हूँ थोड़ा सा जल्दीबाजी में। डीएनए लाइगेज एंजाइम आर ग्रुप ऑफ एंजाइम। डीएनए लाइगेज जो होता है एक ग्रुप का एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है डीएनए के सीक्वेंस को जोड़ने के लिए। विच हेल्प टू द ज्वाइन द डीएनए सीक्वेंस एंड दे ज्वाइन टू द डीएनए सीक्वेंस कोवेलेंटली विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर एंड दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द वायरस बट इट इज आल्सो फाउंड इन द, कौन किए थे इसको फाउंड, कौन किए थे, ई कोलाई बैक्टीरिया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डीएनए लाइगेज एंड इट रिक्वायर्ड टू द एटीपी एनएडी प्लस एंड कोफैक्टर। तो इतना तो डीएनए लाइगेज के बारे में लिखी देंगे और आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बनाया था कि किस तरीके से लिखना है, कि किस तरीके से इसको कट करना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा। देखिए यहाँ पे कट कर दिया गया है छोटे छोटे पार्ट में, ठीक। फिर डीएनए लाइगेज के द्वारा यहाँ पे इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। फिर हमारा होस्ट सेल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा प्रोड्यूस हो गया मेनी कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो जोड़ने का काम करते हैं ये डीएनए लाइगेज का ही काम होता है। और कट करने का काम क्या होता है, कट कौन करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा कट करते हैं। आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। एग्जांपल के साथ देना है, अब क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बहुत ही आसान तरीके से लेक्चर में बताया था, लेकिन चलिए यहाँ पर भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको किस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो देखिए जो हिंदी में लेक्चर में आप लोग को समझाया था, पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर उसके बारे में जिस तरीके से इंग्लिश में लिखना है उसको बताऊंगा, ठीक। क्लोनिंग वेक्टर देखिए हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन से हूबहू उसका कॉपी बना दिया जाए, उसे क्लोनिंग कहते हैं, जैसे कि फोटो कॉपी निकलवा लिया जाए, ठीक। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और फॉरेन डीएनए सेगमेंट हैं और वो रेप्लिकेट करता है होस्ट सेल के अंदर और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने संख्या को सेल्फ ही बढ़ाते हैं, सेल्फ मतलब अपने आप ही अपने संख्या को इंक्रीज करे, उसे सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या हुआ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, द वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वेक्टर, जो कि कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए सेगमेंट को और रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। और क्लोनिंग वेक्टर को हम लोग व्हीकल्स डीएनए भी कहते हैं, डीएनए क्या कहते हैं, व्हीकल्स डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट करते हैं एज कैरियर्स ऑफ जीन। ऑल वेक्टर यूज किए जाते हैं प्रोपगेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट इन सूटेबल होस्ट में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं,
क्लोनिंग वेक्टर एंड एनी क्रोमोसोमल्स आर स्मॉल जीनोम यूज एज दी वेक्टर एग्जाम्पल, जैसे इसके हो गए प्लाज्मिड, एग्जाम्पल भी पूछा है ना, तो प्लाज्मिड हो गए, क्लोनिंग वेक्टर हो गए, देखिए सब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, एग्जाम्पल अगर पूछता है तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, स्कल्टल वेक्टर, ईस्ट वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। क्लोनिंग वेक्टर का डेफिनेशन देखें यहाँ पे आसान तरीके से लिखे हुए हैं, बस इतना आप लोग इसका डेफिनेशन तैयार कर लेना। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर तो देख लिया, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज MHC, MHC का फुल फॉर्म क्या होता है, मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्या होता है मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है, तो देखिए MHC क्या होता है, मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये एक सेट होता है मॉलिक्यूल्स का डिस्प्ले ऑन द सेल सरफेस, क्या होते हैं जो कि सेल सरफेस पर क्या करते हैं डिस्प्ले होते हैं, मतलब दिखते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्फोसाइट रिकॉग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। MHC इज ए सेट ऑफ जीन्स, जो कि क्या होते हैं जीन्स का एक सेटअप होते हैं, दैट कोड फॉर द सेल सर्फेस प्रोटीन इसेंशियल फॉर द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये क्या होते हैं इसेंशियल होते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए, टू दी रिकॉग्नाइज दी फॉरेन मॉलिक्यूल्स इन दी वर्टेब्रेट, ठीक, एंड दी मेन फंक्शन क्या होता है, MHC का मेन फंक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इज बाइंड, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बाइंड होते हैं एंटीजन से एंड डिराइव्ड होते हैं पैथोजेंस एंड डिस्प्ले देन दी सेल सर्फेस, क्या होते हैं डिस्प्ले होते हैं सेल के सर्फेस पर, फॉर दी रिकॉग्नाइज बाय दी टी सेल, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया इंपॉर्टेंट है कि दी MHC मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज दी वेरी लार्ज जेनेटिक कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग ओवर दी 100 जीन्स, तो ये दो चार पॉइंट जो आप लोग को बताया हूँ ये MHC का इंपॉर्टेंट है मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट आर फाउंड इनसाइड ह्यूमन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है। तो क्या लिखेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम लोग एंटीबॉडीज भी कहते हैं, तो एंटीबॉडीज वेयर सोन बाय दी कौन, इसको दिखाया था E.A. कैबट और ए टाइसलस 1939 ईस्वी में, जो कि बिलोंग करते हैं टू ए क्लास ऑफ सेरम प्रोटीन, इसी को हम लोग गामा ग्लोबुलिन्स कहते हैं, एंड इट नाउ पॉसिबल टू आइसोलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स एंड इन्वेस्टिगेट देयर स्ट्रक्चर बाय द बायोकेमिकल टेक्निक, एंड द बेसिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड बाय द टू लाइट येल पॉलीलाइट्स एंड टू हैवी पॉलीपेप्टाइड ज्वाइन बाय द डीसल्फाइड बॉन्ड, और ये जो हमारा होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये वाई शेप के होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मॉलिक्यूल्स, जो कि आप लोग को अभी तुरंत स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का दिखाता हूँ तो समझ जाएंगे आप कि इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे VC लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो थोड़ा सा डार्क कलर में बना हुआ है इसे हम लोग V का मतलब होता है ये वेरिएबल है, C का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक, तो यही स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में आप ये भी बना सकते हैं। तो बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या है, आंसर जी यहाँ पे लिखा गया है, बैक्टीरियल कंजुगेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय दी जोशुआ लेडरबर्ग एंड एडवर्ड टाउटम, कौन थे जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टाउटम के द्वारा ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 1946 में, जिन्होंने प्रूव किया था इस प्रोसेस को कि क्या होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं किसके द्वारा, सेल से सेल के कांटेक्ट में आने से, लेडरबर्ग एंड टाउटम ने प्रोड्यूस किया था 2 ऑटोट्रॉपिक स्ट्रेन, ठीक, किस में किया था एकेरिया में, ठीक, ई कोलाई इसको बोलते हैं K21 बाय द म्यूटेशन के द्वारा, द स्ट्रेन 5816 वाज फाउंड द अनेबल सिंथेसाइज एमिनो एसिड मेटाबोलाइज इन द जीनोटाइप ऑफ दिस स्ट्रेन रिप्रेजेंट एज द ट्रेन प्लस लेन मीथो माइनस बायो माइनस द स्ट्रेन W677 कैन बी प्रोड्यूस एमिनो एसिड लाइक थियोनिन एंड ल्यूसिन, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग इसका तैयार कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये इसका थोड़ा सा जान लीजिए मेन क्या होते हैं, इन्होंने क्या लीडरबर्ग और टाउटम ने क्या किया था,
जैसे कि देखिए इन्होंने एक स्ट्रेन ए लिया और एक स्ट्रेन बी लिया, ठीक। अब ये दोनों आकर के इसमें मिक्स हो जाते हैं, स्ट्रेन ए और बी। अब इन दोनों को जब इसमें चले आएंगे तब इसमें जब कुछ नहीं बचेगा तो इसमें कुछ ग्रोथ होगा, तो इसमें जब ये खाली का खाली ही रह जाएगा, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। और ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा है आप लोगों ने, दो डीएनए जब आपस में आकर के मिल जाते हैं उसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो इसी तरीके से ये भी मिल गया तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटोट्रॉपिक कोलिन, ठीक। ये लीडरबर्ग एंड टाउटम एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियल कंजुगेशन का। तो ये बनाना चाहते हैं तो आसान तरीके से इसको बना भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कंजुगेशन के बारे में पढ़ लिए। व्हाट आर दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हेडिंग डालेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी इज एन एबनॉर्मल इम्यूनो रिस्पॉन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं फिजियोलॉजिकल या फिर हाइपोथेटिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल डैमेज इन द होस्ट। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज बी क्लासीफाई इंटू इमीडिएट, ये क्लासीफाई होते हैं इमीडिएट एंड डिस्प्ले टाइप ऑफ बेस्ड ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेंसिटिफाइड होस्ट टू द डेवलप ऑफ क्लिनिकल रिएक्शन रीएक्सपोजर टू द एंटीजन द डिफरेंस बिटवीन द इमीडिएट एंड द रिएक्शन ऑफ फाइव टाइप। इसका जो रिएक्शन दोस्तों होता है ये बेसिकली डिफरेंट पाँच टाइप के होते हैं, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर, टाइप फाइव। अब टाइप वन टाइप टू के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख के और इनका एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, दो नंबर में अगर पूछा है बस ये पांचों टाइप आप लोग लिख के, लिखने के बाद इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दर्शा देना है, ये आप लोग का हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज एन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्या होता है चलिए जान लेते हैं। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव एक जो होता है मशीन होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, किसके द्वारा, किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के द्वारा, वायरस को किल करने के द्वारा, एंड इवन स्पोर प्रेजेंट होते हैं इन द मलेरियल पुट इनसाइड दी वेसल्स यूजिंग स्ट्रीम अंडर द प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोक्लेव, यही हमारा होता है ऑटोक्लेव। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेक्शन का क्या है, डिफाइन द टर्म ऑफ प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, क्या होते हैं प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा प्रोटीएज क्या होता है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट क्या होता है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है नाउ डे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा होस्ट कार्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्राइव्ड प्लाज्मा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द जॉन्डिस, ठीक। इनके एग्जांपल की बात करें क्या होता है, मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट हमारा गम सेलिन होता है, पॉलीविनाइल पाइरिडोन होता है, ये सब होता है। आइडियल रिक्वायरमेंट इसका लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ठीक। तो ये दो चार इनके एग्जाम्पल कॉमनली हो गए, ये भी लिख लीजिएगा, और पानी विलायन सब्स्टिट्यूट क्या होता है ये हो गया। तो हम लोगों ने सेक्शन ए का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब चलिए देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों सेक्शन ए हम लोगों ने टोटल आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं सेक्शन बी को सॉल्व करने। सेक्शन बी में चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम प्रोटीएज एंड पर ऑक्सीडेज इन इंडस्ट्री। तो क्या होता है माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम प्रोटीएज एंड पर ऑक्सीडेज इंडस्ट्री, ठीक। इंडस्ट्री में क्या क्या कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ, सेक्शन बी का आंसर वन, एंजाइम का प्रोडक्शन कैसे होता है ये जानते हैं। एंजाइम यूज इन द इंडस्ट्री एंड आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारा हो गया प्लांट और एनिमल। एंजाइम आर कमर्शियली प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, सेमी सॉलिड कल्चर मेथड के द्वारा एंड सबमर्ज कल्चर के द्वारा, सेमी सॉलिड कल्चर मेथड एंजाइम प्रोड्यूसिंग कल्चर इज ग्रोन ऑन द सरफेस सूटेबल सेमी सॉलिड सबस्ट्रेट सप्लीमेंटेड विद द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। नाउ ए डेज ऑफ सबमर्ज कल्चर मेथड आर दी वाइडली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम,
ठीक, जो कि इसमें फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप है देखिए आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन, दूसरा हमारा हो गया फार्मुलेशन ऑफ मीडियम, तीसरा हो गया फर्मेंटेशन, और चौथा हमारा है एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एंजाइम। फर्मेंटेशन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से यूनिट 5 में आप लोग को बताया हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो बस इसको हेडिंग डालना है आप लोग को, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप लोगों को क्या कर देना है, डिस्कस कर देना है। तो ये हमारा प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम किस तरीके से हो रहा है, ये हो गया, और उसमें हमारा ये पूछा है प्रोटीएज एंड परऑक्सीडेज के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं प्रोटीएज परऑक्सीडेज क्या है, और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन में अगर पूछता है तो ये फ्लो चार्ट अगर आप लोग बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वीडियो को रोक करके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा दोस्तों। इसी मेथड के द्वारा क्या होता है माइक्रोबियल क्या क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एंजाइम का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, ये इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें हमारा पूछा है प्रोटीएज क्या होता है, तो प्रोटीएज के बारे में दो चार लाइन लिख देना है। प्रोटीएज क्या होता है, इनमें कौन कौन से सोर्स होते हैं परऑक्सीडेज का, परऑक्सीडेज के बारे में पूछा है ना, तो डिफरेंट सोर्स भी होते हैं, कौन कौन से सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स हो गया, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो गया, फंगल स्ट्रेन हो गया, इनके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप लोग को दर्शा देना है। पहले परऑक्सीडेज क्या होता है, इनमें एक रिएक्शन बना देना है, उसके बाद कौन से ग्रुप इंक्लूड होते हैं, उसके बाद इनमें डिफरेंट सोर्स कौन कौन से होते हैं ये लिख देना है, उसके बाद आप लोग को बस ये लिख देना है प्रोटीएज और परऑक्सीडेज के बारे में पूछा है, तो ये लिख सकते हैं इसमें कि क्या होता है प्रोटीएज और परऑक्सीडेज। तो ये हमारा प्रोटीएज के बारे में हो गया दो चार लाइन, और ये हमारा क्वेश्चन क्या है पूछा, उसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व है परऑक्सीडेज प्रोटीएज और क्या है एंजाइम का प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, तीन टॉपिक इन्वॉल्व है जो कि हमारा 10 नंबर में पूछा है। तो तीनों को आसान तरीके से आप लोग को लिखना है एग्जाम में। उसके बाद सेक्शन बी में एक क्वेश्चन चलिए और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ये क्या है देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, दूसरा क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको शॉर्ट में पीसीआर भी कह देता है, पीसीआर इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये क्या है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है और इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो पीसीआर क्या होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि एक डीएनए से, मतलब एक डीएनए से आप लाखों करोड़ों अरबों डीएनए की फोटोकॉपी तैयार कर देना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, फोटोकॉपी तैयार करना, लाखों करोड़ों अरबों फोटोकॉपी तैयार कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जीन एप्लीकेशन मेथड 1983 वाज द मेजर ब्रेक थ्रू इन मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड दिस टेक्निक, इस टेक्निक को डेवलपमेंट किए थे कार्ल मुलेस एट क्रीटस कॉपरेशन बायोटेक कंपनी के थे एंड इमर्स वैली कॉलफिनिया। ठीक, इनका नाम थोड़ा सा हार्ड है, आसान तरीके से आप लोग एक से दो बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे। द डिटेल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक आर डिस्क्राइब बाय द एलरिच 1989 हिज इन एडिटेड बुक द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक, ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़े से इनके बारे में डिटेल कुछ रिएक्शन दे दिए हैं ये, इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, पीसीआर का एप्लीकेशन पूछा है तो एप्लीकेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला हो गया डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, दूसरा हमारा हो गया डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, और तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे एरिएटेड डिजीज, और चौथा हमारा है रिसर्च, पचवा हमारा है कैंसर रिसर्च, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद फॉरेंसिक साइंस हो गया, डीएनए पॉलीमरफिजम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा है जीन थेरेपी। तो ये जो पॉइंट वाइज करके दिए गए हैं हेडिंग बनाए गए हैं ये सब किसके एप्लीकेशन है, पीसीआर के एप्लीकेशन है। तो ये तो कुछ बातें हो गई पीसीआर के बारे में कि इनका एप्लीकेशन क्या होता है और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है।
जैसे कि क्या करना, उसका फोटोकॉपी तैयार करना, वही हमारा होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी तरीके से आप लोग को बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बहुत आसान तरीके से लेक्चर में बताया था, लेक्चर देखे होंगे तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेक्चर एक बार देख लेना। 20 से 25 मिनट का लेक्चर में पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करवा दिया हूँ। हर एक यूनिट का एक ही लेक्चर है, बस एक बार देखेंगे वो यूनिट आपका लगभग में तैयार हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर है। उसका मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ लेना। चलिए सेक्शन सी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग सम एप्लीकेशन बायोसेंसर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब बायोसेंसर के बारे में पूछा है, एप्लीकेशन क्या होता है, इनका वर्किंग क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए हेडिंग डालिए पहले बायोसेंसर, उसके बाद इसको समझिए अपने लैंग्वेज में। बायोसेंसर जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, बायो प्लस सेंसर। बायो का मतलब हो गया बायोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या क्या आते हैं, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, उसके बाद ह्यूमंस हो गए हैं, ठीक, ये सब आते हैं। और सेंसर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग वीमार्ट में जाते हैं सामान लेने या फिर कहीं पर भी जाते हैं तो देखते हैं सभी क्लोथ में एक सेंसर लगा रहता है, और सेंसर के ही द्वारा पता लगाते हैं किसी चीज़ का, मतलब वो चीज़ कहीं पे इधर उधर ना हो, तो सेंसर से हमारा किसी भी चीज़ का पता लगाया जाता है। अब बायोलॉजी में इसका काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को ऐसे, थर्मामीटर है, थर्मामीटर को ऐसे ही हम लोग हाथ से लगाते हैं, तुरंत यहाँ पर रीडिंग आ जाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसी से हमें फीवर का पता लग जाता है कि हमें फीवर है कि नहीं है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, बस ऐसे ही पकड़ना रहता है उस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का आ गया है थर्मामीटर, ठीक, उसी के द्वारा हम ऐसे पता लगाते हैं। तो बायोसेंसर के बारे में देखिए लेक्चर में ही आप लोग को यहाँ पे हिंदी में समझा दिया था, किसी भी बायोलॉजिकल बॉडी में किसी भी चीज़ का पता लगाना बायोसेंसर होता है, या फिर किसी भी मशीन या फिर एनालिटिकल डिवाइस के द्वारा अपने बॉडी के डिजीज या फिर टेम्परेचर का पता लगाना, उसे बायोसेंसर कहते हैं। जैसे कि बीपी मशीन हो गए, अब बीपी का मशीन हो गया हाथ में ऐसे रहेगा, उसमें ऐसे पहना देंगे, पहनाने के बाद उसके बाद बटन यहाँ पर क्लिक करेंगे, बटन को क्लिक करते ही वहाँ पर रीडिंग आ जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, हाई है फिर लो है। और थर्मामीटर होता है कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगा, तो उसके द्वारा पता करना, तो वही हमारा होता है बायोसेंसर। बायोसेंसर के बारे में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बायोसेंसर आर दी आर्टिफिशियल डिवाइस विच आर मेजर कैन बी एनालिटिकल। दी बायोसेंसर बायोलॉजिकल मटेरियल इंटरेक्ट विद दी एनालाइट, दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है फिजिकल चेंज के द्वारा, ठीक। मैकेनिज्म की बात करते हैं, किनका मैकेनिज्म मतलब किस तरीके से होता, तो मैकेनिज्म यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बाद इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स भी आसान तरीके से दिए हैं, और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन भी आसान दिए गए हैं, और बायोसेंसर का एडवांटेज क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे आसान तरीके से दिए गए हैं। तो ये हमारा सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख ही लिया, दूसरा क्या है, बायोसेंसर हो गया, दूसरा हमारा एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ऑफ हिपेटिक बी वैक्सीन। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है और हिपेटिक बी वैक्सीन के प्रोडक्शन के बारे में। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ठीक। तो ये क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हैज क्रिएट द इनोमेरस पोटेंशियल फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक। तो इसमें दो चार पॉइंट आसान आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं ना, दो डीएनए को आपस में करके इसको मिक्स करते हैं, इसको जैसे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट करके ला करके इसको आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। अब इसको आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमारा बन जाएगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट इसमें देखिए कुछ टर्म दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक, प्रोटीन प्रोटीएज इसके एप्लीकेशन दिए गए हैं, ह्यूमन इंसुलिन का क्या होता है एप्लीकेशन, इंटरफेरॉन का क्या होता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या होता है, ठीक, ये दिया गया है। तो ये आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको तैयार कर लेना। उसके बाद उसे में हमारा पूछा है क्वेश्चन वैक्सीन हेपेटिक बी के बारे में, तो उसका यहाँ पे दो चार पॉइंट आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको आप लोग अगर लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग का तैयार होगा, नहीं देखे हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके केवल इसको पढ़ लेना, वैसे ही आपका यहीं पे हो जाएगा ये तैयार, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी तक जितना बताया है मैंने
इतने में तो आप लोग को अनुमान लग ही गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब इतने में अनुमान नहीं लगा होगा तो आप लोग शायद लेक्चर को शुरुआत से अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन केवल इसमें और सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आप लोग वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में लिख लेना और इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, एग्ज़ाम देने से पहले ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद हमें टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, जहाँ पर मैं सभी नोट्स को आसान तरीके से इजिली प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग एक मैसेज कर देना, यस सर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ, राइट डिटेल नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो चलिए थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी पूछा है, ठीक। इम्यूनिटी अगेंस्ट होते हैं इंटरफेरेंस डिजीज इज मेनली क्लासीफाई किए गए हैं दो टाइप में। एक हमारा क्या है, एक हमारा है इनिशिएट या फिर नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए इम्यूनिटी को ऐसे क्लासीफाई करके थोड़ा सा एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए इसमें हमारा नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगा और दूसरा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में कुछ हमारे ये आते हैं, जैसे स्पीसीज इम्यूनिटी हो गए, रेशियल इम्यूनिटी हो गए, इनडिवाइडेबल इम्यूनिटी हो गए। बेसिकली ये दो टाइप में होते हैं, एक होता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव। क्या होते हैं टाइप जरूर तैयार कर लेना अच्छे तरीके से। एक्वायर्ड दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्या होते हैं, एक्टिव में हमारे दो आते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा आर्टिफिशियल। एक हो गया नेचुरल, एक हो गया एक्वायर्ड। नेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक रूप के इम्यूनिटी होते हैं, ये हो गया, और आर्टिफिशियल का मतलब बनाया हुआ, ठीक। और पैसिव में भी वही होते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल स्टिमुलेटेड इम्यूनिटी, ठीक। सेम दोनों के देखे हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखिए आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया, आफ्टर सबलिंगल इन्फेक्शन, ठीक। इसमें क्या होगा, इसका आर्टिफिशियल में हमारा देखिए वैक्सीन टाइप वैक्सीन हो जाएगा। इनके एग्जांपल थोड़ा सा तैयार कर लेना, जैसे आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन का एग्जांपल क्या है, स्मॉल पॉक्स हो गया, डायप्थेरिया इन्फेक्शन हो गए, इनमें क्या हो गए, सभी के एग्जांपल थोड़े थोड़े करके तैयार कर लेना। अब आपका जब ये टाइप तैयार हो गया तो थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में आप लोग डिस्कस कर देना, ये हो जाएगा टोटल डिटेल इनका आंसर। तो इसी तरीके से आप लोग को पेपर को आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इस पेपर को किस तरीके से कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और जो क्वेश्चन दो तीन दिया हूँ आप लोग को सॉल्व करने के लिए, आज से कल तक आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करके और बताना हमें कि हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।